तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्रिएट एन एपीआई टू डिटेक्ट लैंग्वेज ऑफ गिवन टेक्स्ट। मतलब कि एक टेक्स्ट होगा जिसकी हमें लैंग्वेज को डिटेक्ट करना है। लाइक मैं यहाँ पर बता दूं कि मैं करने क्या वाला हूँ यहाँ पर, कि ये मेरी एक एपीआई है लैंग्वेज टेस्ट नाम की, जो कि मैंने अभी क्रिएट कर रखी है, जिसका कंट्रोलर के जो अंदर जो मेथड है उसमें अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मेरे दो पैरामीटर्स जा रहे हैं, इसमें लैंग्वेज है, एक टेक्स्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पास दो सिनेरियो है इसमें। ठीक है, कि फ्रंट एंड साइड से या तो यूजर जो है अपनी मतलब फ्रंट एंड साइड से क्या भेज रहे होंगे जो डेवलपर होंगे, ठीक है, या तो वो ई एन, मतलब लाइक इंग्लिश का अगर कोड देखा जाए तो वो ई एन बनता है। ठीक है, या ऐसे करके अपना इंग्लिश वर्ड भेज रहे होंगे। ठीक है, या इंग्लिश, ठीक है, सॉरी यहाँ पर इंग्लिश आएगा। ठीक है, या इस तरीके से भेज रहे होंगे, मतलब इस तरीके से अपनी लैंग्वेजेस को भेज रहे होंगे। ठीक है, या हिंदी हुई, हिंदी ऐसे भेज रहे होंगे, या एच आई भेज रहे होंगे। ठीक है, मतलब या तो कोई कोड भेज रहा होगा या पूरा नेम भेज रहा होगा अपना लैंग्वेज का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोनों का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि अगर आप कोड भेजते हो तो आप कैसे डिटेक्ट कर पाओगे, अगर आप पूरा वर्ड भेजते हो इंग्लिश में तो आप कैसे डिटेक्ट कर पाओगे। ठीक है, लाइक यहाँ पर मान के चलिए आपका कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर अभी मैं कुछ लैंग्वेजेस हैं जिन पर टेस्ट करके दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर लिखा हाय हाउ आर यू, ठीक है, और ये मेरा है, यहाँ पर मैंने इंग्लिश पास किया, बट अभी मैं सबसे पहले मैं बात करूंगा कोड के बेसिस पर। ठीक है, मैं अभी इंग्लिश यहाँ पर कोई पास कर रहा है उसके बेस पर बात नहीं करूंगा, उसको मैं बाद में सॉल्यूशन बताऊंगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं चेक करने वाला हूँ कि अगर ये टेक्स्ट जो है इस कोड से मैच करता है, मतलब जो मेरा कोड है उससे मैच करता है, ये इंग्लिश का वर्ड है, मतलब इंग्लिश का टेक्स्ट है, तो मेरे को यहाँ से एक रेस्पॉन्स दे दे कि मैच्ड हुआ है। लाइक 1 और 0 मैं यहाँ पर रेस्पॉन्स में सेट करवाऊंगा। अगर यहाँ से लाइक मान के चलिए आपने कोड भेज रखा है एच आई, मतलब हिंदी के लिए, और आप यहाँ पर टेक्स्ट में डालो इंग्लिश, ठीक है, तो ये मैच नहीं होना चाहिए, तो हमें कुछ ऐसा चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको करना है क्या, यहाँ पर इस वेबसाइट पर आ जाना जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। बेसिकली हमारे पास दो तरीके के पैकेज हैं, एक है आपका डिटेक्ट लैंग्वेज, एक है आपका लैंग्वेज डिटेक्ट पैकेज। मैं यहाँ पर इस पैकेज की बात करूंगा, ये काफी बेस्ट है, जो कि आपकी सारी लैंग्वेजेस को क्या है डिटेक्ट कर सकता है। बट जो फ्री का पैकेज है वो उसमें ना तो आपकी हिंदी डिटेक्ट होगी ना कुछ और डिटेक्ट होगा, वो बस इंग्लिश के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप इस साइट पर लॉग इन कर लोगे तो आपको एक एपीआई दिखाई देगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इस एपीआई को आपको डायरेक्ट कॉपी कर लेना है, ठीक है, मतलब इसको यूज करना है। अभी क्या है आप देख लो, मैं इसको बाद में क्या कर दूंगा, रीसेट कर दूंगा। ठीक है, इसलिए आप इसे यूज ना करें, और ये अभी फ्री का प्लान है, तो आप यहाँ पर 1000 रिक्वेस्ट पर डे चला सकते हो। ठीक है, मतलब 1 MB पर डे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस एपीआई का हमें यूज करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जिसका नेम है npm install, लाइक यहाँ पर मैं npm install detect language। ठीक है, ये आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है, ये इंस्टॉल हो रहा है जब तक मैं अपना यहाँ पर आ जाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। तो आई होप आपको दो सिनेरियो पता चल गए कि एक कोड के बेसिस पर, एक आपका वर्डिंग के बेस पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिख रखे हैं जो कि ऑलरेडी, कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, यहाँ पर अरेबिक है, अरेबिक को मैं इसमें नहीं लिख सकता था क्योंकि ये अरेबिक थोड़ा उल्टी लैंग्वेज है। ठीक है, रशियन है, चाइनीज है, ग्रीक है, मतलब अभी हम इन चीजों पर टेस्टिंग करने वाले होंगे। तो यहाँ पर मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बताऊंगा, अगर आपको राउटिंग के बारे में तो पता ही होगा, यहाँ से मेरा कंट्रोलर का एक मेथड कॉल हो रहा है, तो ये वाला मेथड है। ठीक है, जिसमें मैंने कुछ भी कोड नहीं किया हुआ है, बेसिकली ये मेरा मतलब कॉल होने वाला है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, मेरे को ये जो मेरे पास लैंग्वेज एंड टेक्स्ट आ रहे हैं इनको मेरे को सबसे पहले तो गेट करके कहीं ना कहीं रख लेना है। लाइक मैंने वेयर लैंग्वेज नाम का एक वेरिएबल बना लिया, जिसमें मेरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लैंग्वेज, यहाँ से ही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। सेम थिंग मैं यहाँ पर टेक्स्ट के लिए भी कर लेता हूँ, कि मेरे पास टेक्स्ट भी आ गया रिक्वेस्ट से। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसका नेम रख लिया टेक्स्ट। अभी जो मैंने पैकेज इंस्टॉल किया है उसको मेरे को यहाँ पर रिक्वायर करने की नीड है, तो यहाँ पर मैं रिक्वायर करूंगा, रिक्वायर किसको करने वाला हूँ, यहाँ पर डिटेक्ट लैंग्वेज को। ठीक है, डिटेक्ट लैंग्वेज को मैंने यहाँ पर रिक्वायर किया कॉन्स्ट, एंड देन यहाँ पर इसके पास एक क्लास है जिसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा डिटेक्ट लैंग्वेज करके। ठीक है, डिटेक्ट लैंग्वेज, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। इस ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपनी एपीआई की पास करेंगे, तो मेरी एपीआई की ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका एपीआई की पास कर दी, और यहाँ पर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ एक वेरिएबल में, लाइक डिटेक्ट लैंग्वेज करके। ठीक है, डिटेक्ट लैंग्वेज करके मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया, जिसमें मैंने ये स्टोर करके रख लिया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मेरे को ये चेक करना है, लाइक मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ कि इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश का मैंने कोड डाला ई एन। ठीक है,
हेलो हाउ आर यू एंड ईएन, मतलब आपको पता है इसका मैस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ ऐसे मेथड्स बताऊंगा इसके बारे में, ये जो आपका डिटेक्ट लैंग्वेज है जो कि आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेक्ट लैंग्वेज डॉट एंड देन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आप लैंग्वेजेस डाल दीजिए, लैंग्वेजेस, ठीक है। अभी जैसे ही आप यहाँ पर लैंग्वेजेस लिख देते हो, ये क्या करेगा, आपके पास बेसिकली आपको देन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर फंक्शन पास करेंगे, बेसिकली इसमें से जो डेटा आया है वो हमें गेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट सॉरी यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसमें से जो रिजल्ट आ रहा है, यहाँ से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ रिजल्ट, और यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट पास कर देता हूँ आपके एपीआई के रेस्पॉन्स में, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर नोड मॉन स्टार्ट करता हूँ, नोड मॉन इंडेक्स, ठीक है। तो मेरा सर्वर स्टार्ट होगा, इसके लिए होने वाला है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ पहले कि ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, क्योंकि आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट सारी की सारी लैंग्वेज है, देख सकते हो, सेंड हो कर देता हूँ अब मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपको रेस्पॉन्स देख सकते हो, यहाँ पर अफ्रीकन, ठीक है, मतलब अफ्रीकन तो ये रही नीचे, अकान, मतलब ए से लेकर के आपको जेड तक मिलेंगे, आपकी फेवरेट लैंग्वेजेस भी मिल जाएंगे, लाइक हिंदी चेक करो, हिंदी मिल जाएगी, सॉरी मेरे को यहाँ पर कैपिटल में डालना होगा, ठीक है। तो हिंदी एंड देन लाइक इंग्लिश अगर आप चाहो तो इंग्लिश आ गई आपकी, ठीक है। संस्कृत वगैरह सब मिलेंगे, संस्कृत सब सब कुछ मिलने वाला है, स्पेनिश वगैरह, ठीक है। मतलब ये जेड तक है, मतलब सारी लैंग्वेजेस हैं ऑलमोस्ट वर्ल्ड की, इतना तो कोई यूज नहीं करेगा, इतनी लैंग्वेजेस हैं इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको पता चलेगा कि हम लैंग्वेजेस कैसे निकाल सकते हैं सारी की सारी लैंग्वेजेस नाम का मेथड यूज करके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको ना थोड़ा यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ना एक न्यू टेक्स्ट एडिटर में ओपन करके रख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं बाद में बताऊंगा क्यों मैंने इसको रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को करना क्या है, बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं कि लाइक मैंने कोड भेजा कोई भी लैंग्वेज का, ठीक है, उसके ऊपर मेरे को चेक्स लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए इसके पास ना कई दो तरीके के मेथड हैं, ठीक है, दो तरीके के, लाइक पहला है आपका डिटेक्ट, डिटेक्ट एंड देन यहाँ पर आप क्या करोगे, अपना टेक्स्ट पास कर दोगे जो आपका एपीआई से आ रहा है, लाइक कि जो कि मेरा इस वेरिएबल में स्टोर हो चुका है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। अब इस डिटेक्ट में मैंने पास कर दिया अपना टेक्स्ट, जो कि मेरा टेक्स्ट होगा, आई होप आपने जो पास किया वो लाइक मैंने हेलो हाउ आर यू पास किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो इसका रेस्पॉन्स आया इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं लाइक रिजल्ट, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, ये मैं थोड़ा आपको मतलब बता रहा हूँ कि ये एपीआई वर्किंग कैसे करती है, ठीक है, तो आपको पता होना जरूरी है तभी आप आगे बढ़िए। तो मैं सेंड करता हूँ इसको, ठीक है। अभी हम बेसिकली चेक नहीं लगाना, अब देख सकते हो यहाँ से बोला इसने लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है, मतलब जो आपने ये टेक्स्ट डाला ना, ये इसने बता दिया कि ये इंग्लिश का है, मतलब इसने कोड दे दिया आपको, ठीक है। अब लाइक मैं यहाँ पर अगर आपको न्यू लैंग्वेजेस लाइक मैं हिंदी के साथ टेस्ट कराता हूँ, तो यहाँ पर ये बोलेगा कि ये एच आई, मतलब एच आई इसका कोड होता है हिंदी का, ठीक है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज का, ठीक है। तो यहाँ पर ये एच आई बोलेगा, ठीक है, तो एच आई बोल रहा है, ठीक है, मतलब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैं इनके ऊपर बाद में और टेस्ट करके दिखाऊंगा, पर आपको ये पता चल गया कि हाँ ये डिटेक्ट मेथड आपका क्या काम कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब आप यहाँ पर डायरेक्ट कोड ही भेज रहे हो, क्यों हम इसे यूज करें डिटेक्ट को, क्योंकि इसके पास ना एक एरे आता है, एरे के अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, क्यों ना हमें एक ऐसा ऐसा मतलब एक स्ट्रिंग ही मिल जाए डायरेक्ट कोड की, तो वो हमें बेस्ट रहेगी चेक करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर एक मेथड प्रोवाइड किया है डिटेक्ट कोड, ठीक है, ये काफी यूजफुल है। मैं थोड़ा इसको सेंड करा के दिखा देता हूँ, तो यहाँ से मैं सेंड करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर एच आई आ चुका है, ठीक है। अभी ये 400 हटा देंगे हम, और लाइक मैं यहाँ पर जो है इंग्लिश कर देता हूँ टेक्स्ट अपना, तो यहाँ पर ई एन बताएगा, तो यहाँ पर ई एन आ जाएगा, मतलब ये आपके पास ये बेस्ट वे हो गया जब अगर आप अपना कोड भेज रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमको हम कर लेते हैं इसको रेस्पॉन्स 200, और थोड़ा ऑब्जेक्ट में हम क्या भेजने वाले हैं यहाँ पर हम सेंड कर लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पर भेजूंगा कि इज मैच्ड नाम की मैं की बना लेता हूँ यहाँ पर, इज मैच्ड, ठीक है। यहाँ पर हमारा कुछ टेक्स्ट जाएगा, और मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कोड भेज देता हूँ, या रिजल्ट जो आपको लगता है सही वो आप भेज दो, ठीक है। मैंने यहाँ से रिजल्ट भेज दिया, जो भी मेरा यहाँ से रिजल्ट आएगा लाइक कुछ भी हो, बट अगर आपका रॉन्ग आता तो यहाँ से ये करेक्ट बताएगा, तो आप यूजर को बता सकते हो कि ये इसका मतलब कोड रहा है और आपने क्या लिखा हुआ है, ठीक है।
अभी यहां पर मैं क्या करने वाला हूँ, चेक लगाने वाला हूँ कि ये जो मेरा en आया यहाँ से लैंग्वेज में और जो हमारा डिटेक्ट हुआ है उसको मैच करना, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ इज मैच्ड करके, इज मैच्ड करके इसको मैं स्टार्टिंग में रख देता हूँ जीरो। जीरो मीन्स की मतलब अभी वो मैच नहीं हुआ है, ठीक है, मैच नहीं हुआ है। और हमें यहाँ पर लाइक मैच करवाना, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर क्या करना होगा, इफ इफ जो आपका रिजल्ट आया, ठीक है, जो आपका रिजल्ट में क्या है इसलिए आपका कोड आ रहा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिखा कॉलन इक्वल इक्वल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सॉरी, मैं यहाँ पर लैंग्वेज आ ही रही है इसको मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट करने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ से इसको चेक कर लेता हूँ अगर वो मैच कर जाता है, ठीक है। समझने की कोशिश करिए कि इसका जो रिजल्ट आया, लाइक मान के चलिए आपने यहाँ से डाला हाउ आर यू, ठीक है, इसका रिजल्ट आया ई एन और आप भी क्या डालो ई एन, या अगर आप डाले होते एच आई और यहाँ से आप डाले हाउ आर यू और यहाँ से आया इसका इंग्लिश, तो मैच नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर बोला इस मैच्ड हो चुका है आपका बन, और फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इसको मैंने सेंड कर दिया अपने रेस्पॉन्स के साथ। इसके बेस पर आप चेक कर सकते हो, फ्रंट एंड वालों को पता चल जाएगा कि हाँ इस मैच की जो वैल्यू आएगी वन मीन्स ट्रू है, जीरो मीन्स फॉल्स है, या आप ट्रू फॉल्स भी डायरेक्ट भेज सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ से हाउ आर यू डाला हुआ है, इसलिए अभी सर्वर कनेक्टेड नहीं हुआ है, तो सर्वर अभी स्टार्ट हो रहा है, हाँ हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, अब यहाँ से मेरे को बनाना चाहिए, तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर इस मैच आ चुका है बन। अब लाइक मैं यहाँ से भेजता एच आई, तो अब यहाँ पर फॉल्स मतलब कि जीरो आता, ठीक है, या आप ट्रू या फॉल्स में आंसर दे सकते हो, पर यहाँ पर बता रहा है कि ये ई एन था और आपने यहाँ पर एच आई भेजा हुआ, ठीक है। लाइक अगर मैं अपने अरेविक वगैरह के साथ टेस्ट करता हूँ, लाइक ये जो मेरा अरेविक है इसको मैं कैसे कॉपी करूँ, हाँ इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ, यार ये कॉपी होने में भी नहीं आ रहा, बेसिकली यहाँ पर अरेबिक उल्टी लैंग्वेज चलती है ना, इसलिए यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, अभी यहाँ पर बताएगा कि आप एच आई डालो और ये है इसका कोड अरेबिक। अगर यहाँ पर आप ए आर डालते कि हाँ मैच हमार क्या ये टेक्स्ट अरेबिक का है, तो हम यहाँ पर अभी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बन बता रहा है कि हाँ मैच कर चुका है, अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहते हो लाइक चाइनीज चेक कर लेते हैं हम चाइनीज, ठीक है। तो चाइनीज लैंग्वेज को मैं यहाँ पर डालता हूँ, इसमें कंट्रोल जेड कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अभी यहाँ पर लाइक मैंने डाला ई एन, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को पता नहीं है यूजर ने ई एन डाल रखा है चाइनीज लिख रहा है, तो यहाँ पर इसका जो है जेड एच आता है, अगर आप इसका गूगल भी करोगे तो आपको जेड एच ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बता देगा इज मैच्ड वन, अगर आप यहाँ पर चाइनीज का सर्च करो ना चाइनीज चाइनीज लैंग्वेज कोड, ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है ना जेड एच, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, आप जो भी आप वहां से सिलेक्ट करवाओगे उसका बेस पर बनेगा, पर जेड एच इसका मेन है, ठीक है। अब लाइक मान के चलिए आपने, चलो वो तो आप समझ ही गए हो, आप जेड तक काफी लैंग्वेजेस हैं आप टेस्ट करते रहना, पर मैं अब आपको दूसरा सोल्यूशन बताता हूँ कि अगर बाय द वे यहाँ से आप इंग्लिश भेज रहे हो, इंग्लिश भेज रहे हो, ठीक है, या आप यहाँ से हिंदी भेज रहे हो, ठीक है, या आप यहाँ से अरेबिक भेज रहे हो, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी भेज रहे हो, बट मैं आपको एक सॉल्यूशन दे देता हूँ, मैं यहाँ पर एक परफेक्ट सॉल्यूशन दूंगा आपको, ठीक है। अब आप अरेबिक करके भेज रहे हो, तो आपको यहाँ पर देखिए इसके पास तीन मेथड्स हैं जिनके बेस पर आप चेक कर सकते हो, या तो डिटेक्ट या डिटेक्ट कोड या लैंग्वेजेस, ठीक है। लैंग्वेजेस में क्या होता है, आप यहाँ पर टेक्स्ट पास नहीं कर सकते, वो सारी की सारी लैंग्वेजेस रिटर्न करेगा, तो उसके केस में आपको करना क्या है, ये डिटेक्ट और डिटेक्ट कोड तो बेसिकली आपको पूरा का पूरा नेम नहीं देंगे कि आप इससे टेस्ट कर पाओ, और आप इतने बड़े बेवकूफ नहीं हो कि ई एन आएगा तो आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, मतलब पूरा का पूरा यहाँ पर एक एरे बनाओगे उसमें ई एन वगैरह डालोगे, तो उस केस में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं अब इसको हटा देता हूँ क्योंकि अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है, कि करना क्या है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, और जैसा कि मैंने यहाँ पर ये पेस्ट कर रखा था तो यहाँ पर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं इसमें रिजल्ट पास कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ बेसिकली फ्रंट एंड वालों को, ठीक है, फ्रंट एंड वालों से बोलना है बेसिकली ये, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सेंड करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मेरी सारी की सारी लैंग्वेजेस दे देगा। अब आपको करना है क्या, फ्रंट एंड वालों को बोलना है कि भाई ये मेरे जो ये जो डेटा है, ये जो मैंने यहाँ से उठाया एक बार में, ठीक है, आप इसको क्या करो डेटाबेस में स्टोर करा लो, कहीं ना कहीं MongoDB डेटाबेस में, या आप MySQL यूज करो, आप कहीं ना कहीं स्टोर करा लो एक डेटाबेस के अंदर, ठीक है। उनको एक API बना करके दो कि उनको बोलो कि भाई ये यूज करे API, और इसमें आप कोड भेजो उनको कि जब भी आप वहां से रिक्वेस्ट करोगे तो हमें लैंग्वेज में उनका कोड दो,
है कि यहाँ से मैंने एक ही भेजा, उधर से अब एक ही आएगा, तो ये क्या होगा, आपका वेस्ट काम रहेगा अगर आप यहाँ से ऐसे भेजोगे लाइक इस तरीके से, तो आपका बेकार काम रहेगा। इसलिए मैं बोलूंगा आप कोड यूज करें, ठीक है, वो आपका बेस्ट रहेगा। तो आप क्या करें, ये जो भी डेटा आ रहा है एक बार में आप क्या करें, इसको MongoDB या MySQL में स्टोर करा लें, फिर आप अगेन 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 यूज कर पाए, उनको एक API बना करके दे दो फ्रंट एंड वालों को, तो वो जब भी वहां से इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे तो उनसे बोलो कि भाई हमें कोड दो उसका, ठीक है, ना कि लैंग्वेज का पूरा नेम दो, क्योंकि हमारे पास कोड है, तो इसलिए उनसे बोलो कोड हमें यहाँ पर प्रोवाइड करें, जिससे कि हम टेस्ट कर पाए इसलिए, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा जो भी हमने यहाँ पर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सो थैंक यू।